हेलो एवरीवन, सीएपीएफ के लिए 10 क्वेश्चंस हम डेली लगा आते हैं। आज है 16 जुलाई 2021। शुरू करते हैं। क्वेश्चन नंबर 1, हसन दियाब हु हैज़ रिजाइंड रिसेंटली वाज़ द प्राइम मिनिस्टर ऑफ विच कंट्री। हसन दियाब प्राइम मिनिस्टर किस कंट्री के थे जिन्होंने रिजाइन कर दिया है? तो ये थे लेबनन के। प्राइम मिनिस्टर ऑफ लेबनन हसन दियाब हैज़ रिसेंटली स्टेप डाउन फ्रॉम हिज पोस्ट आफ्टर ए मैसिव ब्लास्ट। तो पिछले साल एक बहुत ही बड़ा वहाँ पर ब्लास्ट हुआ था कैपिटल सिटी में, बैरूत में। द बर्थ एनिवर्सरी ऑफ विच इंडियन पर्सनैलिटी हैज बीन सेलिब्रेटेड एज वर्ल्ड स्टूडेंट्स डे। वर्ल्ड स्टूडेंट्स डे किस पर्सनैलिटी पर की बर्थ एनिवर्सरी पर मनाया जाता है? तो ये मनाया जाता है APJ अब्दुल कलाम की बर्थ एनिवर्सरी पर। द बर्थ एनिवर्सरी ऑफ 11th प्रेसिडेंट ऑफ इंडिया डॉक्टर APJ अब्दुल कलाम October 15 हैज बीन रिकॉग्नाइज बाय द यूनाइटेड नेशन टू बी सेलिब्रेटेड एज वर्ल्ड स्टूडेंट्स डे। पिपरहवा स्तूपा इज लोकेटेड इन, ये पिपरहवा स्तूपा कहाँ है? कर्नाटका, उत्तर प्रदेश, केरला या झारखंड? तो पिपरहवा स्तूपा है उत्तर प्रदेश में। पिपरहवा इज ए विलेज नियर वीरदपुर सिद्धार्थनगर डिस्ट्रिक्ट इन उत्तर प्रदेश। विच अमोंग द फॉलोइंग इज करेक्ट डेफिनेशन ऑफ बैक्टीरियोफेज, तो इसमें से बैक्टीरियोफेज कौन सा है? ए बैक्टीरिया दैट डिस्ट्रॉय वायरस। बैक्टीरियोफेज एक बैक्टीरिया होता है जो डिस्ट्रॉय करता है वायरस को, या फिर एक वायरस होता है जो डिस्ट्रॉय करता है बैक्टीरिया को। यस, बैक्टीरियोफेज इज ए वायरस दैट डिस्ट्रॉय बैक्टीरिया। तो बैक्टीरियोफेज एक वायरस होता है जो पैरासिटाइजेस ए बैक्टीरियम, बैक्टीरियम के लिए एक पैरासाइट कहलाता है। वेयर इज द डिफेंस इंस्टीट्यूट ऑफ हाई एल्टीट्यूड रिसर्च DIHAR ऑफ DRDO लोकेटेड। तो डिफेंस इंस्टीट्यूट ऑफ हाई एल्टीट्यूड रिसर्च कहाँ पर है? तो ये लेह में है। ठीक है, डिफेंस इंस्टीट्यूट ऑफ हाई एल्टीट्यूड रिसर्च इज ए लाइफ साइंस लेबोरेटरी ऑफ डिफेंस रिसर्च एंड डेवलपमेंट ऑर्गेनाइजेशन। तो DR एक DRDO की लाइफ साइंस लेबोरेटरी है जहाँ पर कोल्ड एरिड एंड एग्रो एनिमल टेक्नोलॉजी पर काम होता है। Who among the following leaders is associated with the concept of partyless democracy? Partyless democracy के लिए कौन जाना जाता है? जयप्रकाश नारायण, JB कृपालिनी, विनोबा भावे या आचार्य नरेंद्र देव? तो इसमें से जयप्रकाश नारायण इज एसोसिएटेड विद द कॉन्सेप्ट ऑफ पार्टीलेस डेमोक्रेसी। जयप्रकाश नारायण पॉपुलरली रेफर टू एज JP लोकनायक भी इनको कहा जाता है। ही इज ऑल्सो नॉन एज द हीरो ऑफ क्विट इंडिया मूवमेंट। क्विट इंडिया मूवमेंट के समय पर ये सबसे ज़्यादा एक्टिव थे। एंड ही इज रिमेंबर्ड फॉर द लीडिंग mid-1970s अपोजिशन अगेंस्ट द प्राइम मिनिस्टर इंदिरा गांधी। तो इंदिरा गांधी के अगेंस्ट इन्होंने कई प्रोटेस्ट किए थे। सईद मुश्ताक अली ट्रॉफी इज एसोसिएटेड विद विच स्पोर्ट। सईद ताक अली ट्रॉफी किस लिए दी जाती है? टेनिस के लिए, हॉकी, फुटबॉल या क्रिकेट के लिए? तो सईद मुश्ताक अली ट्रॉफी दी जाती है क्रिकेट के लिए। ठीक है, एज पर द RBI मैक्सिमम ऑफ कितना डिविडेंड कैन बी पेड बाय बैंक्स फ्रॉम देयर प्रॉफिट इन 2020-21 टू रिमेन रेजिलिएंट ड्यूरिंग कोविड-19 क्राइसिस से निपटने के लिए कितना डिविडेंड मैक्सिमम दे सकते हैं बैंक RBI के मुताबिक? तो ये दे सकते हैं 50%। 50% RBI ने कहा है मैक्सिमम डिविडेंड दे सकते हो। RBI हैज स्टेटेड दैट बैंक्स इन ऑर्डर टू स्टे रेजिलिएंट ड्यूरिंग द COVID-19 crisis कुड पे मैक्सिमम ऑफ 50% ऑफ डिविडेंड फ्रॉम देयर प्रॉफिट फॉर 2020-21 ईयर के लिए। लास्ट ईयर माइकल ह्यूचन, हार्वी अल्टर एंड चार्ल्स राइस वर अवार्डेड द नोबल प्राइज इन। तो इन तीनों को नोबल प्राइज मिला था फिजिक्स के लिए, लिटरेचर में, मेडिसिन या केमिस्ट्री के लिए। तो माइकल ह्यूचन, हार्वी अल्टर एंड चार्ल्स राइस को
नोबेल प्राइज़ दिया गया था फॉर फिजियोलॉजी या मेडिसिन के लिए। दिस ईयर माइकल ह्यूटन, हार्वी अल्टर एंड चार्ल्स राइस वर अवार्डेड नोबेल प्राइज़ इन फिजियोलॉजी और मेडिसिन फॉर देयर डिस्कवरी इन हेपेटाइटस सी वायरस। तो हेपेटाइटस सी वायरस की डिस्कवरी इन्होंने की थी, इसलिए इनको नोबेल प्राइज़ दिया गया। लास्ट क्वेश्चन, हाइकम मेसिसी हैज़ बीन डेजिग्नेटेड एज द न्यू प्राइम मिनिस्टर ऑफ विच कंट्री। तो हाइकम मेसिसी बन चुके हैं प्राइम मिनिस्टर ट्यूनीशिया के, ठीक है, ये ट्यूनीशिया के नए प्राइम मिनिस्टर हैं हाइकम मेसिसी। हमें सपोर्ट करने के लिए सब्सक्राइब ज़रूर करें। और दैट इज ऑल फॉर टुडे। थैंक यू।